वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, क्योंकि आखिरी तक आप देखेंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ और आप समझ क्या रहे हो। अगर बीच में आप रोक दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो इस लॉकडाउन में मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ खुद की वीडियो के ऊपर, और काफी मतलब वीडियो बनाता भी और प्लस के एक्सरसाइज भी काफी कर रहा हूँ मैं। कभी कभी मैं नहीं करता, मतलब हफ्ते में दो दिन शायद नहीं करता, बाकी 5 दिन तो कर ही लेता हूँ। तो काफी पसीने निकल जाते हैं और पसीने मेरे मतलब बॉडी के अंदर जो भी हीट रहता है वो सब बाहर निकल जाता है और मैं अंदर से खुद को बहुत ही ज्यादा फ्रेश महसूस करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी घर पे कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, और मैं YouTube पे हर हफ्ते में एक या दो वीडियो डालता ही हूँ। लेकिन हो सकता है कि इस हफ्ते में मतलब अभी अगले 7 दिन में मैं एक वीडियो डालूं और मैं गांव जाने वाला हूं, तो हो सकता है कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊं। तो उम्मीद है कि आप मेरे पुराने वीडियो देख के कुछ कर सकते हैं। और एक और चीज कि अगर मैं गांव जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे 15 दिन के लिए स्कूल में रहना पड़े। तो अगर मुझे ऐसा लगा कि वहां का सिचुएशन अच्छा है तो वहां पे जितने भी लोग स्कूल में रहेंगे हो सकता है मैं उनको योगा सिखाऊं, और उसके भी वीडियो क्लिप मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा तो आप देख सकते हो। तो मैं एक चीज आज बताना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा बात है और मैंने खुद नोट किया, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैं कुछ 3-4 बजे बाहर गया था तो देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, मतलब समझ लो कि 200-300 लोगों की लाइन लंबी लगी हुई थी। 200-300 लोग, मैं सोच रहा हूँ किस लिए लाइन लगी, किस लिए लगी। तो लाइन के आगे 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 जाते गया तो देखा एक दारू की दुकान थी भाई, दारू की दुकान खुली नहीं थी, वहां पे लाइन पहले से लगी हुई है। बोला अरे वाह कमाल है यार, दारू की दुकान पे इतनी लाइन लगी हुई है, मतलब चमत्कारी है ना, लोग बहुत दिन से दारू नहीं पिए तो लाइन लगा रहे। फिर क्या हुआ पता है कि वहां पे ना अचानक एक मीडिया वाला आ गया कैमरा लेके, जैसे उसने कैमरा ऐसा चालू किया उसने जितने लोग थे सबके सब भाग गए। मतलब मुझे तो देख के बहुत हंसी आ रही, मैं मतलब 2 मिनट तक वहां पे देख ही रहा था कि मतलब लोग क्या क्या करते हैं मतलब खुद की खुशी के लिए। बट आपको खुद की खुशी के लिए क्या करना है, सबसे पहली बात आपको खुद की खुशी के लिए घर में रहिए और एक्सरसाइज कीजिए और खुद के पसीने निकालिए। अगर आप ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं, सब कर सकते, बट अंदर से कॉन्फिडेंस आपको लाना है, अंदर से जोश लाना है। जब तक आपके अंदर से जोश नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो आप पतले हो, मोटे हो, छोटे हो, लंबे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अंदर से जुनून होना चाहिए कि मुझे करना है, करना है, करना है। और मैं ये मुझे नहीं हर इंसान को पता है कि एक्सरसाइज करना सबके सेहत के लिए काफी अच्छा होता है और इसमें कुछ ऐसा नुकसान नहीं है अगर आप सही तरीके से करते हो। तो सबको पता है कि एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, ये नहीं है कि आप ऐसे ऐसी बॉडी बना लेते हो बाद में आगे जाके आपको नुकसान हो। बॉडी ज्यादा बनाना कुछ जरूरी नहीं है, अगर आप पतले भी हो तो भी चलता है, बट आप अंदर से फिट होना चाहिए, अंदर से आप स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक देखते रहिए और सुनते रहिए मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो मैंने लॉकडाउन में काफी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई और काफी अच्छे अच्छे व्यू आए और आज मेरे 2300 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे जाके लगता है एक हफ्ते में मेरे शायद 3000 हो जाए, शायद कंफर्म नहीं, बट लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा था, मुझे लगता है शायद 3000 मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। तो उस 3000 सब्सक्राइबर के होने से पहला मैं आज एक वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड करना चाहता हूं और मुझे लगता है इस वीडियो को अपलोड होते होते मतलब 2400 तक हो जाएंगे और व्यू भी काफी अच्छे आ रहे हैं। मतलब मैंने अभी स्टार्ट ही किया तो मेरे मतलब 1000-1500 तो पार हो जाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे काफी अच्छे सब्सक्राइबर और ये 3-4 महीने में शायद 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। बट आप लोग सपोर्ट करते रहे तो हो जाएगा, भगवान ने चाहे तो सब चीज हो ही जाता है और इंसान की मेहनत भी रंग लाती है। ओके, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ अपनी वीडियो के ऊपर, खुद के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ और लोगों को बता भी रहा हूँ कि कैसा करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है। तो आप सब भी कीजिए और मजे लीजिए। और सबसे पहली बात यह कि मैंने बताया कि आपको कि घर के अंदर रह के कुछ भी आप कर सकते हो। घर के अंदर बहुत लोगों को बोरिंग फील होता है, बट आप अगर अंदर से आपको ऐसा जुनून है कि आप अंदर भी घर के अंदर भी कुछ कर सकते हो तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप घर के अंदर भी कर सकते हो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया मैंने बताया घर के अंदर, क्योंकि मैं घर के अंदर ही हूँ और घर के अंदर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो काफी मेहनत करता हूँ मैं खुद के वीडियो के ऊपर। तो उसी मतलब वो दारू की दुकान की मैंने देखा लंबी लाइन लगी हुई थी, वो लंबी लाइन की वजह से मेरे अंदर इतना जोश आया कि आज इसका डबल मैं कुछ करूंगा, मतलब कुछ करूंगा मतलब ये ना कि दारू पीऊंगा, कुछ करूंगा मतलब योगा, आज योगा करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, फुल पसीने निकालूंगा। तो अभी काफी पसीने निकल चुके और काफी सूख भी चुके, बट अभी जो मैं आगे वीडियो प्ले करने वाला हूँ आप देख सकते हो कि मैंने कैसे कैसे एक्सरसाइज किए हैं और मतलब जो भी किया है मैंने काफी मेहनत से किया है। ये वीडियो भले मैं जो एक्सरसाइज का बनाने वाला हूँ वो 2-3 मिनट का हो, लेकिन उस वीडियो को शूट करने के लिए मुझे 2 घंटे गए। ओके, तो देखिए थैंक यू सो मच। आगे